आज जूनियर्स की पार्टी जो है। क्यों जूनियर्स? वैसे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, पहले मेकअप पे मुंह लगे होते थे, आज मुंह पर थोड़े थोड़े मेकअप लगे हुए। साडे सीनियर कहते साडा पफ नहीं निकलता, साडे सीनियर कहते साडा पफ नहीं निकलता, संगी फेर फेर जांदी खसे ए संगी जसे। साडी जूनियर भी कुछ कहंदियां, साडी जूनियर कहंदियां असी बड़ियां सोहणियां, साडी जूनियर दी कुड़ियां कहंदियां असी बड़ियां सोहणियां, जेड़ा भी देखे जांदा हसे ए चंगी जसे। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की हैसियत रखता है। इस हवाले से आपने न सिर्फ पहली ही इंस्पेक्शन में पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से यह एजाज़ हासिल किया कि 50 सीट्स के बजाय उन्होंने 75 सीट्स की इजाज़त दी, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फैकल्टी को देखते हुए, इसकी एनवायरनमेंट को देखते हुए। उसके बाद सेकेंड इंस्पेक्शन पे उन्होंने एनुअल इनटेक को 95 कर दिया। ये रिकग्निशन था कि आपकी जो क्वालिटी है वो इंतहाई आला दर्जे की है और तमाम रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आज की खूबसूरत शाम आपने किस तरह एंजॉय की? आज की शाम बेसिकली जूनियर्स और सीनियर्स की एक कलेक्टिव एफर्ट है और एक इदारे की एक रीत होती है कि हर आने वाले बैच को उसके इमीडिएट जो बैच होता है वो एक वेलकम थ्रो करता है। तो मैंने इस बैच में अपने जूनियर बैच के साथ साथ मैं अपने सीनियर बैच के भी हिडन टैलेंट से बहुत इम्प्रेस हुआ। मैम, आपने आज का इवेंट किस तरह एंजॉय किया और आप वीसी साहब के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आज का इवेंट जो था वो हमारे सीनियर नर्सिंग स्टूडेंट्स ने, जो कि थर्ड सेमेस्टर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हमारे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, उनको वेलकम पार्टी दी थी। तो लास्ट ईयर हमारे पास सिर्फ एक ही बैच था तो फैकल्टी ने उनको अपनी तरफ से वेलकम किया था। और आज के इवेंट की मखसूस बात ये थी कि जो हमारे वर्दी वाइस चांसलर हैं वो किसी भी ऐसे इवेंट का हिस्सा नहीं बनते, बट वी आर सो मच ऑनर्ड कि आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज उनकी प्रेजेंस थी हमारी इस वंडरफुल इवनिंग में, और उन्होंने बहुत ही अपने शुक्रिया का इजहार किया। एक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की अभी जो रिसेंटली हाल ही में एक अचीवमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से जो नर्सिंग की सीट्स हैं वो 75 से बढ़कर 95 हो गई हैं। और एक और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो ये है कि पहले हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोग्राम था और अब हम 2 ईयर्स पोस्ट RN BSN प्रोग्राम भी स्टार्ट कराने जा रहे हैं और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हमारा जो है वो पोस्ट RN का बैच भी आने वाला है। मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय खुर्रम की परफॉर्मेंस को किया। मेरी परफॉर्मेंस में से कोई फनी शेर आपको याद है? आए हाय चस ही आ गई। आए हाय चस किस तरह आई आपको? मैंने इस इवेंट को बहुत इंजॉय किया, स्पेशली उनेस का डांस, बिजी स्किट, इसके अलावा भी बहुत मज़ेदार सी परफॉर्मेंस थी। आपका इस इवेंट के अंदर क्या रोल था? मैंने इस पूरे इवेंट को होस्ट किया है। इस पूरे इवेंट को हमें तैयार करने के लिए तकरीबन एक हफ्ता लगा। टीचर्स ने भी हमारे साथ खूब कोऑपरेट किया, स्टूडेंट्स ने भी खूब कोऑपरेट किया और 1 वीक के अंदर अंदर ये सारी प्रिपरेशन। हमारे स्टूडेंट आपको किस तरह लगे? स्टूडेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं जी। देखें, मैं बूरेवाला के एक आबाई इलाका, बैकग्राउंड इलाका, देहाती इलाका जमलेरा से तलक रखता हूँ, जहाँ के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में लेकिन बहुत पीछे हैं, लेकिन मेरे वालदैन ने मुझे इस स्टेज तक पहुँचाया और मेरे में कॉन्फिडेंस बहाल किया, जिसकी वजह से आज मैं इस स्टेज पर हूँ। मेरे असातिज़ा कराम का हाथ है, मेरे वालदैन का हाथ है, ख़ास तौर पर मेरी फैमिली पूरी का इसके पीछे हाथ है। आप समझते हैं इस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए। देहाती इलाकों के वालदैन को चाहिए कि अपने बेटे बेटियों को आगे अब स्टेज पे भेजें और नर्सिंग करने का मशवरा दें। नर्सिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल होगा और लोगों की खिदमत भी करेंगे। क्या नाम है आपका? बरीरा फयाज। बरीरा, आपने जो सॉन्ग प्ले किया उसमें किसने सजेस्ट किया था आपको प्ले करने का? हमें मैम आयशा ने किया था और उसके बाद, लेकिन मैं खुद भी चाहती थी कि मैं सिंगिंग करूँ,
और इसलिए मैंने किया। इससे पहले कहीं आपने सिंगिंग की? हाँ जी, मैंने अपने कॉलेज में की थी वेलकम पार्टी पे। ये जो पूरा इवेंट हुआ इसके अंदर सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको कौन सी अच्छी लगी? मुझे सबसे ज़्यादा एक जो लुंगी डांस था मुझे बहुत अच्छा लगा है सबसे ज़्यादा। लुंगी डांस आपने बहुत इन्जॉय किया। और हमारी परफॉर्मेंस? आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी बहुत। कोई शेर याद है हमारी परफॉर्मेंस का? एक याद है वो ए चंगी चलसी। हाँ वो वाला।